कलरफुल है इनका, होली खेल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने बड़े ग्रुप के, इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच मैं आज फंस गया। इससे पहले दो फेमस कॉमेडियन यहाँ पर आकर गए, बहुत ही फेमस है, क्या नाम था उनका, जो भी नाम है उनका, बढ़िया परफॉर्म किया उन्होंने, काफी हद तक मुझे सुनने का मौका मिला, बहुत नई नई बातें, बहुत जोरदार तारे दोनों कलाकार। मोटा पे भी बहुत जोक कर रहा था बंदा, मैं समझता अभी मोटो का तो टाइम चल रहा है इस वक्त, पूरा हॉलीवुड और बॉलीवुड को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझ पर आप रिलायंस कर सकते हैं। लव यू, आप ऊपर से प्लस भी हो। अभी मैंने प्लस की बात की, परिवार, वाह, मतलब मुझे लग रहा है कि आप अंबानी परिवार ही, BNI प्लस परिवार। अशोक भट्ट साहब को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट है, ऐसे अशोक नाम का आदि सम्राट ही हो सकता है। अशोक नाम का आदमी प्रेसिडेंट, राजा, बादशाह, ये सब हो सकता है, तो जब तक हुआ तो दे देना, ठीक है। निकिता डिडवानिया, वाइस प्रेसिडेंट, नितिका, नितिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिका जी ने मुझे बहुत प्यार से यहाँ इनवाइट किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, अभी मैं परफॉर्मेंस बताऊंगा अपने कितने अच्छे। राधिका मर्चेंट, राधिका इतनी जल्दी याद किया, इतनी जल्दी आप सेक्रेटरी ट्रेजरर है ना, तीन लोग जो है ये हमारे कंपनी के शंकर एहसान लॉय, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जॉन जॉनी जार्ड है, हमारे ऊपर एंथोनी है, और भी कुछ बोले सब सब इन महान और बड़े लोगों के बीच में, आप सब VIPs के बीच में, आप सब अमीर लोगों के बीच में मैं आया हूँ। एक आम आदमी की इज्जत है, वरना आजकल तो आम आदमी का क्या हाल है, आपको पता है। ऊपर से जिस पे जैसा केस था वैसे ही हुआ, शराब का केस है और बिहाइंड द बार कर दिया। ऊपर से अंदर चार दोस्त मिल गए, अब बताओ क्या होगा, वहां चार चार यार मिल जाए वहां, रात जब आदमी की गुलजार हो तो सुबह आदमी जागे तो रुक जाता है, बोल ही नहीं पाता क्या बोल रहे हैं, बोलता बहुत कुछ समझ नहीं पाता। जावेद साहब जो है, जावेद साहब के पास जितना नॉलेज है काश वो बता पाते और काश हम समझ पाते। जैसे कोरोना के सब कोरोना का सबसे पहले इलाज इनके पास आ चुका था, सबसे पहले इनके पास आ गया जावेद का आयुर्वेद, वो बता नहीं पाए, बता हम समझ पाए, एक ही यहां तक मेरी मालूम है कोरोना अपने आप में बहुत बड़ी महामारी है, जब लेकिन इसका मतलब ये नहीं जानते। मुझे तो इस बात में यकीन है कि जावेद सही चीज हो तो जावेद मियां दाद देगा, सही चीज को जावेद मियां दाद देगा और गलत चीज हो तो जावेद मियां डांट देगा। जहां तक मेरी मालूम है मुझे ऐसा लगता है उर्दू में इंसान के तरफ फुस नहीं होने चाहिए, जब तक घर में ना हो शबाना इलाज नहीं तबाना, यदि मैं जावेद अख्तर शबानाज आदमी। अब इससे मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे किसी ने बोला कि इनका जो एक और दोस्त है उसके पास ये रेसिपी पहुंच चुकी दवा की, वो है महाबली खाली, वो आपको बता सकते हैं, मगर प्रॉब्लम वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने महाबली करने से कहा जल्दी बताइए ये जो कोरोना है इसकी इसका इलाज बताइए। कोरोना
तो जावे साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि जो देखिए क्या बाप के की से बेटे को मिलती है। बाप इतना बोला है, इतना बोलता है, बाप की बेटी का पैदा ही गला बैठा हुआ है। मेरी लड़की का एक बिल आवाज में वो गाना गाता है। सोचिए इस आवाज में गाना गाता है। आज के प्रोग्राम में आने वाला था अशोक जी ने बुलाया था उनको गाने के लिए। मैं गा तो गाता हूँ, आ भी जाओ, मेरा आवाज उठा हुआ है आज। उठे हुए आवाज में गाना नहीं गाता। एक गाना बड़ा मुझे हंसी आ रही थी देखते हुए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म बनाने, इसमें तीन ही लोग आ रहे हैं, खासकर फरहान अख्तर, उनके साथ में विदेशी उर्दू में डांस कर रही है। कौन थी वो विदेशी उर्दू के बारे में आपकी देसी उर्दू पता ही स्पैनिश होती है ना, वो गा अपने स्टाइल अपने भाषा में गा रही थी। वो जो मुझे आज तक समझ नहीं कि वो गाना गा रही थी अपनी भाषा में, कोर्स उनकी गालियाँ रही ये शुरू हो गए। मैं समझा वो अपनी भाषा में रे मार रहा है, तेरे मारा कुत रहा है, तेरे मारा कुत रहा है, अरे मार कुत रहा है, कुत रहा है, कौन भोग रहा है, अरे कुत रहा है, मैं समझा, अरे कुत रहा है। ऐसा गाओगे तो बाकी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अजीब हो गई। अच्छा एक जगह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी लोग समझते नहीं, लेकिन अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। मेरी मेहनत मुझे ऐसा लगता करता हूँ मैं तो कामयाब हो जाएगी। स्मृति ईरानी से मैंने पूछा कि आप राहुल बाबा के पीछे हमेशा क्यों पड़े रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाल विकास मंत्री हूँ। अच्छा सोशल मीडिया में कभी कभी नेताओं के साथ में ऐसी बात हो जाती है। अब एक में बाबा राहुल बाबा जो हमारे कॉमेडी के गुरु है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, तो दिस इज अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्यों जाने का यार, मतलब मोदी जी और राहुल बाबा के बारे में एक बड़ा प्रसंग हिट हुआ था, अब उसको इतना हाईलाइट कर दिया लोगों की मुझे हंसी आएगी, पता नहीं आपको आगे आएगी आएगी नहीं आएगी। राहुल जी ने कहा था मोदी जी के लिए #पनौती कहा था, और मोदी जी ने राहुल जी के लिए कहा था मूर्खों के सरदार, और न्यूज चल रही थी कि दोनों ने एक दूसरे को उल्टा बोला। मैं भी मुझे भी हंसी आई कि दोनों ने उल्टा क्यों बोल दिया, बाकी तब सुन आगे नहीं आगे खतरा है। तो मोदी जी के बाद अगर आज यहाँ पर आते मोदी जी और अपने भाषण में, क्योंकि भाषण बहुत अच्छा देते हैं मोदी जी, उनके भाषण का इतना बड़ा फैन है, मुझे लगता ही नहीं कि भाषण के अलावा कोई दूसरा काम कर सकता है यार। करता है, बड़ी बात करता है मोदी जी, भाषण बहुत अच्छा देते हैं।
और उन्होंने अभी तक तालियों पे जीएसटी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तालियों को खुद चाहिए। और भाषण देते वक्त अब तो लगता है कि वो यात्रा ही कर रहे हैं, यात्रा और भाषण दोनों एक साथ करते हैं ना, तो अब बातचीत में भी लगता है कि कहीं हवाई जहाज में सफर ही कर रहे हैं, उनके हवाई जहाज में इतनी आवाजें आने लगी, भाषण में हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा। किस तरह से जो मेरे बात बीजेपी के भाषण में जो डिस्टर्ब करेगा कांग्रेस वालों का, ठीक है मित्र, आज मैं वियना है, ये हमारे मित्रों का ग्रुप है जी, जितने भी व्यापारी है सब मेरे मित्र हैं, देश के जितने भी आई पीस है सब मेरे मित्र हैं। मित्रों, मेरा गुरु ने मुझे कहा था हमेशा एल स्टेट लोगों से दोस्ती करो, आज देखिए मेरे पास एक ही लिस्ट है अटल जी, आडवाणी जी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, अमित मालिया, अजीत डोभाल, आज तक अमित पाठक, ये सारे ए लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी को कैसे समझ पाए, आम आदमी पार्टी भी मेरी नकल कर रही है, ए लिस्ट उन्होंने भी बनाई, आम आदमी ए, आप ए, अल्कोहल अरेस्ट, ये सब ए है, ये देखिए शक्ल से अरविंद केजरीवाल है। इनके पास भी नकली ईडी भेज ही देता हूं, दिन भर ईडी पीते रहना, ईडी भी है ये तो पीते रहना, ठीक है। ईडी मतलब उसका फुल फॉर्म वो नहीं जो आप समझ लीजिए, ईडी मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, ई और डी को जोड़ लीजिए कहीं कुछ भी कोई नहीं, मुझे बचा लेना, ठीक है। अभी क्या है, हमारे लोग हमारे देश में कहीं कहीं पर अंधविश्वास बहुत है, कहीं कहीं पर वर्ल्ड कप में पूरा खुल के दिखाई दिया अंधविश्वास, और वर्ल्ड कप में इतना दिखाई दिया लोगों को लगा दुआओं से जीत जाएंगे, मेहनत करनी थी कि दुआओं से जाएंगे, प्रार्थनाओं से जाएंगे, स्टेडियम में बड़े से बड़े तो रमखान बैठे हुए थे, विश्व गुरु बैठे थे, सदगुरु बैठे थे, क्रिकेट के गुरु बैठे थे, लेकिन वर्ल्ड कप कौन ले गया, कंगुरु। बड़ी कलरफुल हार हुई है, ऑस्ट्रेलिया का जो टी शर्ट था वो था पीला और अपने नीला था, तो और हमारे जो कैप्टन है क्या नाम उनका, रोहित शर्मा ने कहा कलर नहीं खेला वाले, बोले वर्ल्ड कप हम नीला पाए, नीला उनको बोला वर्ल्ड कप ये लो, बड़ी कलरफुल हार हुई थी। तो ये आजकल राजनीति क्या, जैसे भी मैं अशोक जी के घर पे गए, अशोक जी बताते थे किस्से, भाभी जी ने कहा सुनील जी अगर आप बीजेपी से तो हम आपको चाय पिलाएंगे, कांग्रेस से तो कॉफी पिलाएंगे, तो मैंने कहा फिर बोतल मंगा, हम आम आदमी पार्टी से बोतल मतलब पानी की बोतल, आपको जो समझ वो भी सही है, समझते रहिए आपको। तो हालांकि जैसे बच्चन साहब है, अभी 2000 का नोट जो बदला था तो बच्चन साहब भी लाइन लगे थे, बच्चन साहब 2000 का नोट बदलने के लिए, देवियों सज्जनों लाइन में लगे 9 लोग, कुछ 6 लोग बच्चे थे उसे कह रहे देवियों 6 जनों, जस्ट द नंबर लगने ही वाला था, उनकी पत्नी का फोन आ गया, जय जी का, कि सुनिए जी आप लाइन में नहीं लगे कि आपको मेरी कसम वापस आई है, अरे बस मेरा नंबर आने ही वाला है जय जी, प्लीज 2 मिनट रुके मैं बस नोट बदल के आ, नहीं 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 प्लीज आप कोई बदलाव नहीं होगा वापस आइए, और आप मुझे वापस क्यों बुला लिए, अभी भी मुझे अशोक जी का फोन आया बिना और उन्होंने मुझे समझाया, क्या समझाया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि रेखा के लफ्ज़ में दोबारा पढ़ो और मैं गरीबी रेखा में आ जाऊं। भाई साहब जय जी उस प्रोग्राम को इतना केयरफुली देखती है,
उन्होंने एक लाइफ लाइन बदल दिया, कुछ था उनका पढ़ाव था उड़ाव था कुछ भी था, उन्होंने कहा कि बच्चा साहब आपने घर बैठे करोड़पति बनने वाला जो स्कीम खोली वो बंद कर दीजिए, वो अभिषेक को बुरा लग रहा है। घर बैठे करोड़पति उनको बुरा लग रहा है। असल में केबीसी बंद करने के पीछे जया जी का हाथ, मैं आज बताऊँ आपको। सुनिए, जया बच्चन और जया किशोर में इतना ही फर्क है, एक पॉजिटिव वाइब है दूसरी नेगेटिव। मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, जया जी बोल देखा मैंने बहुत गाली देती हूँ, सुनिए मैं बंगाली ममता दीदी के भी करूँ आपको बताओ। तो अब इसमें क्या हुआ, केबी से तो हमने देखा ही हुआ बहुत बार, 23-25 साल से सबने देखा है, हर आदमी उस प्रोग्राम में देखा है। और हालांकि बच्चन साहब के अलावा दूसरा करोड़पति नहीं बना उसमें, लेकिन तो मम्मी से देख रहे इसमें एक मैं चाहूंगा। तो बच्चा साहब केबी सी में आते थे सज्जनों, सफेद दाढ़ी पूछ पैसा रखता था जैसे बंदा अभी दही में मुंह मार गया और एक घंटा आप दिमाग का दही करेगा और जवाब देने के लिए दही सर बैठा हुआ है सबका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुछ भी करते नहीं बेचारा हार के वापस आ जाता है। तो केबीसी में बच्चा साहब वहां पर आते थे तो जया जी ने बोला कि वो जो आपकी जो लाइफ लाइन है ना भाग्य रेखा, तीन लाइफ लाइन आपके पास, तीन भाग्य रेखा आपके पास में, जीवन रेखा, तीन जीवन रेखा आपके पास में, जीवन तक हमको रेखा निकाल दे उसमें से, और अगर रेखा रखना ही चाहते हो तो उसमें जीवन जया करो। तो बच्चों से जोर से कहा समय समाप्ति की घोषणा, पूरा मन कर दिया बड़े जया से दर्शक की प्रोग्राम में। ऐसा होता है, अभी कितना सच है कितना है आप लोग इतना सीरियसली देख रहे हो, लग रहा है जैसे आप मेरे घर में छुपा लगे। हरे करो दुकानदार को देखा, केबीसी को देखे, कोई बेचारा जिला गोंडा बस्ती का, आप लोग गाँव से छोटे छोटे गाँव से होंगे नहीं गई से, यहाँ के तरक्की की उस गांव को भी प्राउड होता होगा। आपको मैं सलाम करता हूँ कि आपकी वजह से ये बीएनआई कंपनी आज बहुत आगे बढ़ रही है, दुनिया में नंबर वन जल्दी बनने वाली है, दुनिया में नंबर वन बनने वाली है, अंबानी भी आपके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, राधिका आपके पास है तो राधिका जल्दी प्लान करो शादी। तो एक दुकानदार को देखा, नौकर को मारने लगा, क्यों मार रहे, बोले अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे ही कोई पहला ग्राहक आता है उसे कहता है क्या चाहिए, तो ग्राहक कहता है हमको साबुन चाहिए, तो उसको ऑप्शन देता है, कहता है कौन सा साबुन, ए लक्स, बी हमाम, सी सिंथॉल या डी लाइफबॉय। तो ग्राहक कहता है डी लाइफबॉय, तो कहता है श्योर लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। बच्चन साहब तो इतने सवाल करते थे कि शिरडी में पहुंचते तो उनको देख के गाना बजता था, शिरडी वाले साईं बाबा आया तेरे दर पे सवारी। अच्छा मुझे क्या, तो बीच में इंग्लिश का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि मैं देसी वाला बनता हूँ, मतलब देसी बनता हूँ। बचपन से मेरा, मैंने हमेशा हाई चीजें सोची, इंग्लिश में मैं हाई सीखना चाहता था, हाई क्लास की इंग्लिश, हाई क्लास की एकदम सीधा हाई क्लास की इंग्लिश सीखना चाहता था, इस वजह से अंग्रेजी नहीं सीख पाया, क्योंकि जहां भी जाता था एक ही बोर्ड करता था इंग्लिश मीडियम। और मैं चीज सीखना चाहता था मैं तो अभी भी किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, दिया था मैंने कहा व्हाट्सएप पर बाय भेजो, किसी गरीब की हाई क्यों ले आ। केबीसी में भी मैं इसमें देखा कि क्या केबीसी सामान्य ज्ञान था प्रोग्राम में और अपना ज्ञान सामान्य है भाई साहब, मेरा तो मतलब मैं, मेरा कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से केबीसी में जा ही नहीं पाया, जवाब नहीं मिला, जवाब की जरूरत है। और उल्टा केबीसी में बच्चन साहब जो अपने राज्य से बेमानी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हो और प्रश्न कर रहे हो। तो हरे का अपना उस प्रोग्राम में मैंने कुछ चीजें छोटी सी नटखट तरीके से की, जैसे बच्चन साहब की जगह पे अगर मनोज तिवारी आते,
नाना पार्टी का रहते एक दो छोटी छोटी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग बीजेपी से हो, मैं आम आदमी से, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ए सी बंद कर दो, किसी हॉट लड़के को बुरा लग रहा है। एक भूखे आदमी को मैंने बोला एसी का मतलब क्या है, एसी का फुल फॉर्म क्या, बोले अंडा करी। भूख तो नहीं लगी ना आपको? नहीं। सुनने के मूड में है तो 10-5 मिनट और करें। नहीं, आराम से तो सुनेंगे आप। उसके हिसाब से, उसके हिसाब से और टैक्टिक सम्राट अशोक। अरे भाई आदमी है, मेरे को भूत आता है। इस कपड़े बिना हॉरर फिल्म में ऐसे भूत होते हैं आदमी। आज सीरियल जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, लोग आज सुनते तो मैं देखता था। अब उसमें मनोज तिवारी एक बार आ गए। मनोज तिवारी ने किसी के सामने सवाल भी कर दिया, लेकिन क्या वो थोड़ा इंग्लिश का मेरे बिरी तरह प्रॉब्लम होगा तो फंस गया। सामने लोगों ने सवाल किया, चार ऑप्शन दे दिए, उसने जवाब दिया, कहता आपने ये जो जवाब दिए हैं आर यू सुअर? ए भैया गोल ना लेता नहीं भैया, क्या आप सुअर हैं? अगर देखो भैया, हो सकता है आपको अपने आप पे शक हो कि आप सुअर नहीं हो, तो पब्लिक से पूछ लो भैया, पब्लिक बता दे कि तुम सुअर हो। 50-50 कर लो भैया, 50% तो पता चल ही जाएगा कि तुम सुअर हो, और अगर फिर भी नहीं तो फोन अ फ्रेंड की घरवाली से पूछ लो, वो बता दे कि 100% कि तुम सुअर हो। उसने कहा करोड़पति मैं बनना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी का पति ठीक हूँ, लेकिन सुअर नहीं, मैं इंसान। नाना पाटेकर एक बार आ गए उसमें। अब नाना पाटेकर तो आपको पता है गर्म खोपड़ी वाले, इतने गर्म खोपड़ी के हैं। अब वो कोई सिंपल महिला उनके सामने आ गई, या मैं जो सुना भी, मैं देखा भी होगा, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है, इसे सरप्राइज कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अरे वो जो भी करना कर दो, ठीक है कर दिया। नाना पाटेकर वो पूछ रहे हैं के विषय में, बच्चा साहब। अच्छा इधर आ, इधर आ, करोड़पति बनने की लालची औरत। करोड़पति बनने आ गई है लालची औरत, कितना लालच भरा है तेरी आंखों में, आज तू टकराएगी नाना से। नाना डबल ना उतरने गए, पहला सवाल बता मेरी उम्र कितनी है, ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल, या डी 55 साल? तो उस महिला ने कहा फोन ऑफ फ्रेंड कर लू क्या, किसी दोस्त से पूछ लू? फोन ऑफ फ्रेंड दोस्त से पूछेगी, अभी बता मेरी उम्र कितनी है, फोटो वाली भाई जरा, फोटो वाली बाबू मेरा फोटो कर। अब उस महिला ने कहा कि आपकी उम्र कितना, 40 साल। सही जवाब, कैसे बताए? वो महिला घबरा गई, मेरा एक छोटा भाई है वो 20 साल का है और वो आधा पागल है। शुभकामना देने के लिए गृह मंत्री मोदी जी अपना अमित शाह जी आते हैं, तो कैसे शुभकामना देते अमित शाह जी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से BNI के मेरा मान्यवर और मान्यवर लोगों को मेरा संपूर्ण समर्थन है। एज ए गृह मंत्री आप सबका सम्मान करता हूँ,
क्योंकि हर ग्रह में आप छाए हुए हैं। आप सब लोग मेरे घर जैसे हैं क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ। रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं। नाम है अमित शाह। आप अपने कार्य में बादशाह बन चुके हैं, सहनशाह भी बन चुके हैं, आगे चल के अमित शाह भी बनेंगे। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है। केवल भाई साहब आपसे निवेदन ये है कि कानून मत तोड़िए, तो फिर कानून आपको तोड़ेगा। बहुत धन्यवाद। हाईलाइट ये है कि आप एक एक चीज जो हमारे देश में अलग अलग प्रांत से लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रांत से है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर कौन से प्रांत से हैं? गुजरात। गुजरात का आदमी बहुत अच्छा लिसनर होता है। खाली दो लोगों को छोड़कर वो किसी की नहीं सुनते। लेता हूँ कि आवाजें मैं निकालते रहता हूँ। मुझे किसी ने फरमाइश की कि चाहो तो मैं आडवाणी की भी आवाज निकाल सकता हूँ, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा हूँ। आप माची को खरीद, नाम है मल्लिका, आदमी पार्टी तो शुरू होने से पहले बंद हो जाए। पार्टी शुरू होने से पहले बंद हो जाए। एक बात हो गई, शत्रु साहब बिहार में इलेक्शन में खड़े थे, अब वो इतना कॉन्फिडेंस में बिहार से प्यार करते हो, चुनाव के चक्कर प्रचार में प्रचार ही गड़बड़ कर दिया। बोले अरे भाई हमका वोट देना भाई। कौन है बेटे भाई? हमको नहीं पहचानी, हम तुम्हारा शत्रु। बिहार का शत्रु, हम देश का शत्रु। शत्रु हार गया, मित्र जीत गया। लेकिन शत्रु साहब का जो है सोल जो तो वो आसन में था, इसलिए आसन सोल गया, पूरा जीते फिर रहे। जैसा क्या होता है सुनिए, उनका हिंदी का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उन्हें फोन करके फटे बीच किया, मुझे सुनिए। सुनैल जन्मदिन तेरा है, भगवान तेरे को हर की करे। समझिए मिस्से लिख के दिया है, ये मेरे बारे में कोई अच्छी बात सोची थी। अम्मा आपने तरक्की तो नहीं बोला, तरक्की ही करे भगवान तेरे को सब औरत दे। क्या दे? सब औरत। तरक्की हो शोहर कह रहे ना। हाँ वही सेम सेम। हाँ सेम सेम समझ गया मैं, क्योंकि तू मेरा छोट भैया है। छोटा भाई, छोटा भाई। यही वजह है कि यूपी में जब भाषण दे रही थी अम्मा सुनिया जी, एक सन की माँ, एक सन की माँ बोल रही है, हमें उत्तर प्रदेश को भैया मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश को भैया मुक्त करना, भैया ने उत्तर प्रदेश को इन्हीं को मुक्त करना। तो ये शब्दों की जो बातें हैं इसमें गड़बड़ है। अरे वाह, यही पैदा हुआ घर से है। सोनिया जी की हाइट में पैदा हुई है। देखिए मोदी जी को किसी ने, मोदी जी कितने समझदार आदमी, जवाब देना तो इससे ज्यादा कोई मतलब कमाल है। मोदी जी का जो आदमी जवाब ही है,
भले इसको जवाब देना थे, जवाब अभी किसी ने उनसे पूछा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने ऐसा इमोशनल जवाब दे दिया। आपको इमोशनल कितने हो जाते हो? आज मैं आपके सवाल का जवाब दे ही देता, महंगाई बढ़ रही है मैं मानता हूँ, इस बात के लिए मैं स्वयं मानता हूँ, आपको आना लगाने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ। परंतु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या पिता का आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज के दाम और दर आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए कि मैं पिता का नाम आगे बढ़ा रहा हूँ, दामोदर। किसी के पिता को फोन आया था? पिता का आया, ठीक है, परम पिता परमेश्वर का नहीं आया। तो हर एक का अपना अपना मैटर है। जैसे गुजरात से आप लोग, गुजरात में मैं कहता हूँ कि जैसे अब मैं महाभारत में जाता हूँ, तो महाभारत में जिनके 100 बच्चे थे उनका नाम धृतराष्ट्र था, जबकि 1600 बच्चे। इस तरफ से कौन सा रास्ता है भाई, इतना आगे जा रहे हैं? ये लोग होंगे हंसने वाले, मैं खानदानी होता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा एक बात है सभी कि आदमी इतना प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, पत्नी का फोन ही होगा जो उठ के जाके क्योंकि पत्नी के फोन में आते थे नेचुरल हो जाता है, बाकी ना हार्ड आ रही बस मैं तो दे रहा हूँ, तुम बात आ रही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कौन आशा के दिखा। पत्नी के फोन के टाइम में आदमी क्या करेगा, उसको एक्सप्रेशन भी छुपाना है, ये करना है, किसी को हर चीज़ में फोन उठाना है, नहीं मतलब फोन उठा नहीं, कोई बहाना ही नहीं, क्या करोगे? कहीं पर भी आपको फोन, बैंकॉक में भी आप जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आप कहीं जा रहे भाई। बैंकॉक में जो एयरपोर्ट है स्वर्णनगर की, क्या नाम है, स्वर्णभूमि वो मंदिर था, एयरपोर्ट भी तो आप वहाँ पे आप तो नहीं कहीं हो, किसी और की बात कर रहा हूँ, आप 20 बजे कुछ कर रहा कर रहा है, कोई साथ पीए भी है फीमेल, किसी कंपनी कंपनी दे रही उसको, चले गए घूमने फिर रहे डांस कर रहे हैं, इतने पत्नी का फोन आ गया। अब फोन काटने की ताकत इसके बाप में भी काटा चाह रहा है, लड़की ने पूछा क्या हुआ सर, काल है तो कॉल होता है ना, मेरे लिए काल है। ओह गॉड, दिस इज नॉट फेयर, बैंकॉक में भी ये सब करेंगे? प्लीज बच्चे बच्चा ले, तो ऊपर से भगवान की आवाज स्पेशलिस्ट के लिए आई, इस मामले में नहीं, सेम हियर, तुझे बचाओ मुझे कौन बचाएगा। हाईलाइट ये है कि ऐसे में समझो आप बॉस जो है अपने सेक्रेटरी साहब किसी मॉल में घूम रहा है, अचानक उसका पुराना दोस्त सामने आ गया, समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, सीधा मुंह पे आकर बॉस से पूछ रहा है, बॉस आएगी हर ओर से, तुझको नहीं है खबर, मुझे दिख रही कब्र, वो खुदा ही मुझे अब बचाए उससे। सर एग्जैक्टली क्या होगा,
मेरे मेरे फोटो पे चढ़ेगा हार, लगता है मुझे बीवी को रेडी तैयार करता है मुझे बीवी कॉल से, क्योंकि शादी से पहले रश करना होता है, आदमी रश करना कोरा कागज का ये मन लिख दिया नाम इस पे तेरा। शादी के बाद बोल तो यही होते, गाना बदल जाता है। कैसे भैया? मेरा जीवन महिलाओं के खाते शादी से महिला की ताकत में बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा गीतकार ब्रह्मांड की तारीफ करते हुए कोई गाना लिख रहा था, पत्नी ने आके कैसे उसको अभिनव कर दिया उस गाने को। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये और पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो जाएगी। मेरे बजाय की मौत कैसे चलेगी? जैसे ही मौत आएगी मैं उससे कहूंगा लेडीज फर्स्ट। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है, तो मेरी माँ कहती है अच्छा अगर मैं तेरी दुनिया हूँ तो परसों बीवी से क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूँ। एक पुराना गाना गाते गाते मैं रोड से गुजर रहा था, माजी चल ओ माजी चल, जैसे ही दरवाजे पहुंचा पीछे पेटी की बुढ़िया ने आवाज दी, बेटा कहां तक आना है? अरे तू ही तो बोला माजी चल। आता माजी चल। एक पुराना गाना था, कई बार सुना होगा लेकिन उसको कॉमेडी में ढूंढ ली, वो ये है ओ मेरे साथ में ये सारा जहां
कितनी कॉमेडी, जमी गा रही, आसमा गा रहा है, साथ मेरे सारा जहां गा रहा है, तो एड़े सुन कौन है। अच्छा मोबाइल पे कई बार मैं सोचता हूँ कि मोबाइल में तो कई सारे गाने बन चुके हैं, मोबाइल अपने आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, आप मोबाइल पे लिखा बोल सकते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, इतना इस्तेमाल करते हो रात को सोते वक्त, उसको बाहर साइड में रखते हो तो सुबह उठते ही तुझे देख कर सोना, तुझे देख कर जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बिताई, तुझ में बसी है मेरी सपना। मोबाइल आपकी नजर में भगवान बन चुका है, अगर मोबाइल देखो दिन भर ना दिखे तो सुनने को गाने गाने याद आता है मोबाइल से ज्यादा हो गया है। तू मेरी जिंदगी है, तू हर आदमी का गाना ये बन गया मोबाइल, रोमांटिक रोमांटिसिज्म क्या बोलते हैं और भी थे अब आप देखिए 90s का गाना हिट हुआ, उसमें हीरो जो हीरो से कह रहा है तू प्यार है तुझे चाहता कोई और है, मैंने ये सुना एड़े तुझे कंफर्म है चाहे किसी को तुझे चाहता कोई और है तो तू कंफर्म क्यों कर रहा है, तो हीरो भी है ना एक कथा हाँ। हीरो जो है हीरोइन के व्यवसाय पे इतने उसने सबूत दे दिए नजर में किसी और की तुझे जानता नहीं और तू जान है किसी और कितने और है अच्छा लड़के भी जहाँ लड़कियां खास कर में तो प्यार में ज्यादा ही हो जाती है, ऐसे लड़कियों को ने देखा बेरोजगार को बहुत प्यार करती है। अच्छा इशारे से मैं बेरोजगार लड़के बता भी देते उसको कि तेरी से हमें कुछ चाहिए हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकता तेरे बिना क्या रोज़ तुम ही रिपीट तुम ही रिपीट तुम ही सब तुम ही हो, शादी के बाद पता चला कि इतना लुक्का है पत्नी घर से घर का काम करवा रही है वहां पर बड़ा लुक्का लुक्का कह रहा है उसके पास कोई काम ही नहीं क्या देखा तूने बोले कांडी क्रश अच्छा पता नहीं ये लोग सोशल मीडिया पे लड़कियां पसंद करते कांडी तुमने पर देखी अच्छी इस तरह लपू सा ठीक हो इस तरह के लोग पसंद आते दुबले पतले अजीब गरीब तो ये क्या होता है कभी कोई जोश में आके महंगे होटल में लेके जाते खाना खिलाने के लिए ये जो वेटर जो घूम रहे इनमें से मेरा दोस्त है इसने एज ए वेटर का करियर बना दिया है लेकिन ये पहले कुछ और था बहुत इसका ठीक ठाक मामला था ये यहाँ पर महंगे होटल में खाना खिलाने लाया था अपनी गर्लफ्रेंड को
लेकिन लड़की ने इतनी ऑर्डर कर दी एक्स्ट्रा ऑर्डर नारी थी वो, ठीक है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया नारी ने कि बैंक आ गया बिल खतरे का इसका मुस्तक भी। अब इसका चेहरा सूखे तो लड़की ने कहा तुम्हारा मुख क्यों सूखे, तो कहता है गाने में कहता है मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़की में सोच तो बिल दे दो दिया जाए ना बेटर बोला और लड़के तू मुझे बतला क्या साहब बर्तन धोने की जगह देखी सर ये सूप तो पी लो पिया जाए। तो वेटर ने कहा सर आप समझ में आए कि मैं यहाँ पर क्यों, मैंने यही काम किया था। तो अपने बजट के हिसाब से समझ के सबसे काम कीजिएगा, बड़ा मजा आपके साथ आपके बीच में आकर अच्छा लगा। अपने लास्ट एक सर भक्ते बनो रतन मोरा और IBM हाँ उल्टा बोला जा मैं आके बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों के बिना हम हो अधूरा, कहे कि आपके आपका लाइफ है काशी और मथुरा और आपके बिना हम हो धतूरा। एक दिन रतन मोरा जी ने देखा कि रतन मोरा जी कैसे हैं आप, तुमको तो पता है सुनील हम शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी। घर पे जाके तुम देखा तो चिकन खा रहे थे, चिकन खा रहे तो शुद्ध शाकाहारी है, ये तो घर की मुर्गी है। तो भैया गुजराती लोगों के बारे में यही कहता हूँ कि एक गुजराती ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो आप सबको देखने देखने लगता कि रात अच्छी गुजरेगी। एक गुजरात ट्रेन स्टेशन पर किसी के घर पे कोई मेहमान गया था, रात में चना खा लिया था, गड़बड़ था पेट, तभी अनाउंसमेंट हुआ सूचना छे, तो बोला तू खा के देख। खबर पर से सूचना छे पास में गए तो कहाँ जा रहे भूज जाना, बोले क्या नाम है दीपक, बोले मत जाना मतलब गोरखा कहीं लोग कहेंगे दीपक भूज गया। अच्छा वहाँ पर जो है आर्टिस्ट नाम नहीं है, फेमस आर्टिस्ट नहीं है, उसको बड़ी इज्जत मिलती है, ये तो भैया नॉन आर्टिस्ट है, वो नाम कहना चाह रही थी नॉन आर्टिस्ट, ये तो नॉन आर्टिस्ट। अब मुझे बताइए कई सारे रैपर तो इसलिए वहाँ नहीं जा पाते हैं कि इनका उच्चारण गलत है, पटानी कुछ कर रहा यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार तू है पुत्र गुजरात का जैसे तालिबान, चल खाली चल क्या करेगा था नहीं जाके यही कुछ लेके लेके छड़ दे छड़ दे। जो सोशल मीडिया पे तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समझ में भी नहीं आते, मनी के मांगे ही थे मधुवे नूरा है मुझे ये ना मैं ना कभी आ जाऊँ सदा मैं ना कभी आ जाऊँ सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी की लता माँ सिर्फ माँ समझ में ना किसी के बाप के समझ में। इमेज सर्च में गुजरात का सुपुत्र जब गुजरात में चमत्कारी बच्चे भी पैदा होते हैं, इमेज को देखो वो सिखाता है ना सिखाता है एवरीबॉडी नोज व्हाट इज मूव दारी मारी। किसी भी कंपनी में होता तो HR होता है। पता पता साहब आपकी कंपनी का इमेज में ये है क्या मेरी मेरी। अच्छा साहब में पगली भी गाती होंगे मेरी मेरी रानू मंडल जिसका गाना है आभा मंडल और गाना गोरखा है सोनी मंडल। ये सारी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आप लोगों ने मुझे प्यार से सुना, दोबारा जरूर बुलाइएगा, मैं हर वक्त हर जगह कहीं भी आ जाता हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है सिर्फ टैलेंट है। और
सबों का मुबारक मौका चल रहा है, जो हंस नहीं पा रहे मैं ये कहूंगा अल्लाह के बंदे हंस दे, जोक समझ में कल आएगा, क्योंकि कल अगर किसी की समझ में जोक आ जाता है तो उसको अभी बुरा मत मानो, ये युग ही कर लीजिए।